इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला NIA थाना की मेट्रो विहार पुलिस चौकी पर, और आपको बता दूँ मेट्रो विहार के फेस टू से 14 मार्च को देविंदर नाम का एक युवक लापता हुआ था, जिसको लेकर उसके परिवार ने लगातार नरेला NIA थाने के चक्कर भी लगाए थे। वहीं मृतक युवक का भाई भी 6 महीने पहले लापता हुआ था, जिसका शव 3 दिन बाद ही बरामद कर लिया गया था। वहीं बीती रात देविंदर का शव KNK मार्ग थाना इलाके से एक नहर से बरामद किया गया है। वहीं देविंदर के परिवार में उनकी माँ है, उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ है पूरा मामला और इस दौरान वो कहाँ कहाँ पर गए थे। कहाँ कहाँ गए थे आप? मैं वहाँ पे गई भोरगढ़ थाने, वहाँ पे कंप्लेंट करी, वहाँ से कंप्लेंट लेके आई इसके पुलिस चौकी में, यहाँ भी कंप्लेंट करी और यहाँ पे थोड़ा सकाय होली के बाद फिर फोटो भी देके गई। यहाँ से कोई पुलिस नहीं पहुँची, नहीं कुछ सुनाई दिया। फिर मैं वहाँ गई DPC ऑफिस, वहाँ पे गई, वहाँ भी कंप्लेंट करी, वहाँ से आके फिर उसके एक उस दिन भी नहीं कोई आया। फिर सकाय दूसरे दिन में शाम को पुलिस आई पूछ जांच करके और चली गई। वो बंदों पर जिसको हमने नाम लिखाया उसको भी नहीं पकड़ा। फिर उसके तीसरे दिन में पुलिस गई है, फिर उनने उनको लड़कों को उठाया है जिंदगी, मगर उसमें एक लड़का गायब है, बंठा नाम है, नहर पर ले जाके मेरे लड़के की मौत कर दी, उसको मारा गया है। आपको कब पता चला? मुझे तो पल पता चला है, कल शाम को पता चला मुझे। अच्छा। हाँ, क्या करता था आपका बेटा? कंपनी में काम पर जाता था और लड़के ले जाते थे, उनके साथ साथ में चोरी चकारी करवाते थे, लड़के ले जाते थे। हाँ, नशा वगैरह करता था? हाँ, दारू वारू पीने लगा था, पहले तो बिल्कुल नहीं पीता था, अभी वो लड़कों ने सिखाया तो पीने लगा था, थोड़ी बहुत पीता था, मगर इनने यही कह रहा है, सुनने में आ रहा है कि दारू पिलाई है फिर इसको मारा है नहर में। कितने लोग हैं परिवार में? मेरे परिवार में कोई नहीं है, मेरा एक लड़का था और मैं थी बस, अब अकेली हो, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। अच्छा। हाँ, कोई नहीं है, दो लड़के थे, दोनों चले गए, घर वाला 5-6 साल हो गए पहले ख़त्म हो गए, अब कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, वही एक औलाद थी बस। जो देवेंद्र का भाई था वो कहाँ गए? वो भी खत्म हो गया पहले 6 महीना हुए अभी। कैसे हुआ था उनका? वो भोरगढ़ में वो स्मैक पीता था, उसको लड़के ले गए उसको रात में, और ले जाके सारे लड़के भाग धरे, उसको फंसा दिया, तो उसमें भी पता चला था हमें 3 दिन बाद, तो पुलिस कह रही उसको पब्लिक ने मार दिया, बस यही पता चला था और कुछ भी नहीं पता चला, ना कुछ हुआ था। अब कितने लोगों को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है? यहाँ पे तो किसी को नहीं बुलाया है, ये बॉडी ये ले जा रही, तो 4 जने के सैन करवाए हैं, पोस्टमार्टम की कह रहे कि वो बॉडी ले आओ। हमने बोला पहले हमें वो बंदा चाहिए, मैन जो बंठा है जिसने मारा है, मुझे वो बंदा चाहिए, मैन जो है वो बंदे, दो तो बंद है अभी और बंद नहीं है, एक बंदा फरार है, मेरा तो कोई बचा नहीं है, मुझे मारेगा कोई तो मार देगा, मारे जिसको मारना है तो मार दे, मुझे क्या है, मेरा कोई नहीं है, तो जो कोई मारे तो मार दे, मेरा कोई नहीं है। देविंदर का जो देविंदर की माँ है वो अब अकेली है, और कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और कई एंगलों से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने में लगी है कि आखिरकार पूरी वारदात जो है वो किस तरह से अंजाम दी गई है। कई एंगलों से जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस इस गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।